हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली है फिक्सिंग से आज फिर आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं और कुछ बताने वाला भी हूं कि काफी सारे लोगों का कहना है कि सर ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच कैसा होता है और क्या लगने के बाद में उसकी क्या फिनिशिंग आती है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच कैसा होता है, क्या उसकी फिनिशिंग आती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच है और काफी लाइट वेट पैच है ये। आप देख सकते हैं इस पैच को, काफी लाइट पैच है ये। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर आपका फ्रंट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच फ्रंट लेस भी होता है कि फ्रंट इसका आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर फ्रंट है इसका। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा जो है ना इसका, ये एक्स्ट्रा फ्रंट है इसका। तो फ्रंट हम जब काटेंगे, काटने के बाद में जब आपकी स्कल्प पे जब हम अपना पैच लगाएंगे तो उसकी जो फिनिशिंग आने वाली है बहुत गजब की आने वाली है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यार क्या वाकई में ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच लगाना बेहतर रहता है या नहीं रहता, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि देखो भाई अगर फिनिशिंग आती है तो ही हमारा पैच लगाना भी बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा आपको ये पैच दिखाने वाला हूँ लगा के और इसमें स्टाइल बना के कि क्या मजा आने वाला है, क्या फिनिशिंग आती है। सो गाइस, आप इस वीडियो को बिना स्किप करिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, इसका बॉर्डर कट चुका है तो मैंने अभी इसको ये निकाल दिया है पूरा, ये आप देख सकते हैं। और मैं इस पर अभी टेप लगा के आपको दिखाने वाला हूँ कि हम इस पर नो शाइन टेप लगाने वाले हैं और नो शाइन टेप लगाने के बाद में और सर पे लगाने के बाद में इसकी क्या फिनिशिंग आती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा टेप है और ये इसको मैं लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के सामने। छोटे छोटे हमने पीस ले लेने हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से लगेगा आपका टेप। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच अपने सर पे लगाकर कि कैसी उसमें फिनिशिंग आने वाली है या नहीं आने वाली, तो ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। ये ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच लग चुका है हमारा और आप देख सकते हैं कि आगे का जो फ्रंट है वो भी आपको पूरा दिख ही रहा होगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो हेयरलाइन है क्या वो बिल्कुल सच में नेचुरल लग रही है क्या। यार लग तो बिल्कुल नेचुरल ही रही, तो काफ़ी क्लियरिटी आ रही है हेयर पैच के अंदर। और अभी इसको हम पूरा कट करने वाले हैं और कट करके भी दिखाने वाले हैं आपको स्टाइल बना के। सो गाइस, देखते रहिए इस वीडियो को।
फ्रेंड्स आपने ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच को पूरा इस वीडियो के बीच में देख ही लिया होगा कि जो पार्टीशन हमने आपको निकाल के दिखाए हैं और जो अभी मैंने हेयर पैच लगा रखा है तो उसकी क्या फिनिशिंग है। और अभी मेरे जो बाल हैं वो काफी बड़े बाल हैं और इसको आप छोटा भी ले सकते हैं, बट इसके अंदर जो डेंसिटी होती है वो बहुत लाइट डेंसिटी होती है। तो ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच के अंदर हमें ये चीज देखनी थी, क्या हमें इसमें स्कल्प नजर आती है या नहीं आती। बट अभी आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग हमारी फ्रंट हेयरलाइन को लेके, ठीक कैसी लग रही है आपके सामने ही है। सो गाइस आप देख ही सकते हैं कि मतलब किस तरह से पूरा फिनिशिंग आई हुई है। तो अगर हम इसमें कोई भी लुक बनाना चाहें वो लुक आसानी से बन सकता है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके से कोई भी कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में नई लुक के साथ। ओके बाय बाय।